अरे गाइस आप लोग आ गए, ये देखिए ये है मेरा नया ह्यूमिडिफायर जो मैंने अपने घर के लिए लिया है, और ये है अगारो की अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर। गाइस क्या आपको पता है कि ह्यूमिडिफायर क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेज हैं, कौन से लोग इसका यूज़ करेंगे तो उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है, कोई नुकसान है? अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो आज की मेरे इसी के ऊपर है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको भी जानना है। और हाँ गाइज, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसका डिटेल रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं शेयर करने वाली हूँ अगारो की अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर का डिटेल रिव्यू। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहला सवाल, ह्यूमिडिफायर होता क्या है? सो ह्यूमिडिफायर बेसिकली एक डिवाइस है जो कि इन्वायरमेंट में होने वाली नमी की कमी को पूरा करता है, यानी कि ये इन्वायरमेंट में नमी को, मॉइस्चर को बनाए रखने में हेल्प करता है। सो इसका काम इन्वायरमेंट की ड्राइनेस को भी दूर करना होता है। सो कई बार क्या होता है ना कि कई सारे जो लोग होते हैं उनको ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई फील करती है, एंड काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके नाक, गला और उनका जो मुंह है वो काफ़ी ज़्यादा सूखा सूखा लगता है। तो उन लोगों के लिए जो ह्यूमिडिफायर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि इसका काम ही है इन्वायरमेंट में नमी को बनाए रखना, मॉइस्चर को लॉक करके रखना। एक्चुअली ये ना एक थेरेपी की तरह है और इसको थेरेपी की तरह भी यूज किया जाता है। सो गाइज, अगर मैं ह्यूमिडिफायर के बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो बेसिकली इसका काम होता है इन्वायरमेंट को हेल्दी बनाए रखना। अब हम जानेंगे कि ह्यूमिडिफायर कौन से लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा जिन लोगों को काफी ज्यादा उनकी स्किन ड्राई लगती है, दूसरा जिन लोगों के नाक से खून आने की प्रॉब्लम होती है, तीसरा जिन लोगों के भी होंठ काफ़ी ज़्यादा सूखे हुए लगते हैं, चौथा काफ़ी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि उनका गला, नाक एंड उनका मुंह जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको सूखा सूखा लगता है, काफ़ी सारे लोगों को आँख में जलन की प्रॉब्लम होती है, काफ़ी सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है। सो काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको खांसी की प्रॉब्लम होती है और वो काफ़ी ज़्यादा खांसते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको साइनस का सर दर्द होता है, तो उन लोगों के लिए भी ह्यूमिडिफायर काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। सो गाइज, ये जो ह्यूमिडिफायर्स होते हैं ना, ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। कई बार एसी वाले रूम में रहने की वजह से भी ना काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस होती है, इसका इस्तेमाल खास करके विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। और गाइज ये ना छोटे बेबीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को ना नमी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई सी लगने लगती है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो ह्यूमिडिफायर टोटल 5 तरह के होते हैं, लेकिन आज मैं जिस ह्यूमिडिफायर के बारे में बात करने वाली हूँ वो है अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर। ये है अगारो की अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिफायर। ये काफी सारे मॉडल्स में अवेलेबल है, बट मेरे पास जो मॉडल है उसका नाम है ब्रीज। सो काफी सारे लोग इसकी आउटर पैकेजिंग के बारे में पूछेंगे, तो आप देख सकते हैं इस तरह के कार्टन के बॉक्स में ये आता है। अगर मैं इंटरनल पैकेजिंग की बात करूं तो यहां सबसे पहले आपको अगारो की ब्रांडिंग की गई है, देन उसके बाद आपको एक नोब मिलता है और ये इस तरह का वाटर टैंक आपको मिल जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल एंड क्लासी लगता है। इसके साथ ही ये इस तरह के वायर के साथ आता है और 2-पिन प्लग आपको मिलता है। सो यहाँ पे आपको एक मिस्ट नोजल मिल जाता है, देन आपको उसके बाद वाटर टैंक कवर मिल जाता है, उसके बाद मिस्ट पाइप यहाँ पे आपको मिल जाता है, उसके बाद जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक एनर्जी कलेक्टिंग रिंग आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पे वाटर आउटलेट मिल जाता है, एयर आउटलेट मिल जाता है, ऑटोमाइजर मिल जाता है, एंड लो वाटर लेवल सेंसर यहाँ आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है जो कि ग्रीन कलर का है, और आपको समझ में आ जाएगा इससे कि आपका जो मशीन है वो ऑन है। इस तरह का एक नोब भी आपको दिया जाता है जिससे कि आप मिस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, हेवी लो जैसा चाहें वैसा। उसके बाद इस तरह का आपको एक वाटर टैंक मिलता है, यहाँ पर आपको एक लेवल भी दे दिया जाता है कि कितना आपको पानी भरना है इसके अंदर। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी नॉर्मल वाटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं इसमें। इसके अंदर जो कैपेसिटी है वो है 2.5 लीटर पानी आ जाने की, तो इससे आपको पूरा इसको फुल कर देना। वाटर लाइन यहाँ पे बना हुआ है, उसके बाद आपको इस तरह का मिल जाता है मिस्ट नोजल, यहाँ पे आपको इसको फिक्स कर देना है, एंड उसके बाद इसका जो आउटर कवर है ना उसको आपको लगा देना है और अच्छे से इसको सेट कर देना है। देन उसके बाद आपको मिलता है ये प्लग, तो 2-पिन प्लग आपको लगा देना है एंड इसको ऑन कर सकते हैं। और आपको जिस तरह का मिस्ट चाहिए आप वैसे यूज इसको कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, और ये 2 मिनट के अंदर ही जो है ना मिस्ट बनना शुरू हो जाता है।
ये ह्यूमिडिफायर आता है एक साल की वारंटी के साथ, प्लस ये कवर करता है अप टू 25 स्क्वायर मीटर एरिया। इसकी वाटर टैंक की कैपेसिटी है 2.5 लीटर की, जो कि आपको 12 घंटे तक मॉइस्चर देता है। इसका एक और बढ़िया फीचर ये है कि जब भी आपका जो वाटर टैंक का पानी ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली, ये ऑटोमेटिक शट ऑफ हो जाएगा। इसको बीच बीच में साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए जब भी आपका वाटर टैंक का पानी ख़त्म हो जाए ना, तो बीच बीच में इसको साफ़ कर लीजिएगा। इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। आपको इसका पानी अगर इसके टैंक के अंदर है तो उसको आप फेंक दें, अगर सूख गया है तो कोई बात नहीं। और इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, सबको आपको किचन टॉयल आपके पास होगा या जो भी कॉटन का कपड़ा होगा उससे आपको अच्छे से इसको पोंछ लेना है, और उसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई कर लेना है, एंड अगेन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर पीपी प्लास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग यूजेबिलिटी देता है, और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि आपके टेबल को, आपके घर की शोभा को बढ़ाएगा। तो गाइस, अगर मैं इसके प्राइस के बारे में बात करूं तो इसकी एक्चुअल जो प्राइस है वो है 4499 रुपीस, बट ये आपको हमेशा 1600 टू 1400 के अंदर मिल जाता है। ये काफी सारे वेबसाइट में अवेलेबल है, लाइक Amazon, Flipkart में आपको इजीली मिल जाएगा, और इसके साथ ही आपको इनके खुद के वेबसाइट में भी ये मिल जाएगा। सो अगर आप भी इसको लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप एक बार चेकआउट जरूर कर सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही, अगर आपको जरा सी भी पसंद आई, तो आपको करना इस वीडियो को प्यारा सा अपना लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज कर देना सब्सक्राइब, इट्स मीन अ लॉट फॉर मी गाइस, एंड बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। अब मैं आती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, बाय।